पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2010 से चल रहे इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पे 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं। इनके पास 15 प्लस साइट्स और भारत में इनकी 100 से ज्यादा ब्रांचेज है। 24/7 की विड्रो सर्विस आपको यहां मिल जाती है। आप इनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2022 फिलहाल काफी रोमांचक मोड पर आ चुका है, जहां पर टीमों ने प्लेऑफ्स की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिटमैन की सेना मुंबई इंडियंस के बारे में। जी आईपीएल 2022 मुंबई इंडियंस की टीम के लिए काफी खराब रहा, जहां पर अभी तक इस टीम ने कुल 7 महामुकाबले खेले हैं। सातों के सातों महामुकाबलों में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके बाद भाई सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभी भी यह टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है? यदि हां तो कौन सा वो तरीका है जिसके जरिए अभी भी मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में जा सकती है, उस पूरे को हम पूरी तरह से एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो स्क्रीन पर आप सभी लोग आईपीएल 2022 की अभी तक की पॉइंट्स टेबल को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम हिटमैन की सेना के जो हालात है वो से बदतर यहां पर है। जी हां, 7 मैच खेले हैं, सातों के सातों महामुकाबलों में इस टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में यह टीम 10वें नंबर पर है। काफी सारे शर्मनाक रिकॉर्ड इस बार इस टीम के नाम हुए, जहां पर आईपीएल इतिहास की पहली ऐसी टीम मुंबई इंडियंस बन गई है जो आईपीएल में लगातार 7 मैच हारी है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभी भी मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, तो इसके लिए यहां पर कुछ कंडीशंस है। चलिए कंडीशंस की बात करते, तो पहली कंडीशन तो ये है कि भाई जो इस टीम के 7 महामुकाबले बच गए हैं, सातों के सातों महामुकाबले में इस टीम को सबसे पहले तो भाई इनको जीत दर्ज करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि सातों मैचों में जो इनको जीत मिलेगी वो एक अच्छे मार्जिन के साथ होने वाली है। मतलब अगर अच्छे मार्जिन के साथ इनको जीत मिलेगी तो इनका जो नेट रन रेट है वो यहां पर काफी पॉजिटिव जाएगा, जो इनके लिए थोड़ा सा अंत में हेल्पफुल साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी यह टीम अपनी किस्मत पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि अब से पहले 8 में होती तो वैसे में यहां पर एक टीम 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाती थी। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2022 में 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, ऐसे में यहां पर 14 में से 8 मैचों में जीत दर्ज करना जरूरी है। 16 जीत के साथ ही कोई टीम यहां पर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। यानी अब की बार जो मुंबई इंडियंस टीम के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की जो चांसेस है वो यहां पर काफी कम नजर आ रहे। लेकिन दोस्तों कोई मिरेकल यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है कि भाई अंत में कुछ कंडीशन ऐसी बन जाए कि नेट रन रेट के बेस पर फोर्थ टीम यहां पर क्वालिफिकेशन के लिए जाए, तो उन में अभी भी मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 99% यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स की रेस से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है। केवल 1% चांसेस ऐसे हैं जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस पूरे की पूरे सिनेरियो के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।